मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। खाना बनाने और खाने के बाद फ्रेंड मैं सो गई थी, क्योंकि इतनी तेज नींद आई। देखिए अभी भी मेरा गला भारी हो रहा है, बहुत ही नींद मेरी तेज आ गई फ्रेंड। और अभी शाम 4:30 बज गया फ्रेंड, अभी मेरी नींद खुली है और अभी उठी हूँ तो अभी भी लगता है फिर से सो जाओ। पता नहीं क्या मुझे ना, जब भी मैं गंगा नहाती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है और बहुत थकावट लगता है फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ तो यही होता है। जिस दिन मैं गंगा नहाने जाती हूँ, वैसे तो मैं बहुत कम जाती हूँ, कभी भी मैं साल में एक बार या दो बार किसी कारण जैसे पुण्यवा वगैरह मैं जाती हूँ, तो उस दिन मुझे नींद बहुत आती है। तो दोपहर से ही मैं सोई हूँ, मतलब फ्रेंडों का सभी का प्रीमियर ज्वाइन करने के बाद मैं खाना खा के दोपहर में ही सोई थी फ्रेंड। और अभी मैं उठी हूँ तो अभी चाय बना रही हूँ, चाय पी लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा नींद तो जरूर खुलेगा चाय के बाद। और फ्रेंड ये शाम का है क्लिप, तो मैंने थोड़ा सा ग्रहण का भी शूट किया था, तो बहुत अच्छा कैप्चर तो नहीं हुआ फ्रेंड्स, बट मैंने कोशिश किया है। और हमारे यहाँ ग्रहण लगभग 5:32 से स्टार्ट हो गया था और 6:30 बजे तक रहा था फ्रेंड्स। तो ये देखिए
फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 7:15 और ग्रहण अब खत्म हो गया है, यानी कि 6:32 पर ही एंड हो गया है ग्रहण का। तो पानी हो रहा है गर्म फ्रेंड, और नहाऊंगे क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी से नहाऊंगे फ्रेंड। थोड़ी हल्की फुल्की सर्दी भी हो गई, सर्दी पड़ने लगी है, और सुबह गंगा नहाने गई थी तो सर भी गीला था पूरा फ्रेंड। तो थोड़ा दिन भर में ना जुकाम जैसा लग रहा है, तो गर्म पानी से नहाऊंगी। तो बस पानी गर्म हो गया है, नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद जो होता है हम लोग में थोड़ा पूजा पाठ करते हैं फ्रेंड्स। तो ग्रहण मानना चाहिए फ्रेंड, मैं तो शुरू से मानती हूँ। तो फ्रेंड मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं सभी जगह गंगा जल छिड़क रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी पूजा फ्रेंड्स। और सौरभ भी नहाने बाथरूम में बढ़ गया है, घुस गया है, तो वो नहाना नहीं चाहता फ्रेंड, बट मैं उसको जरूरत ही नहलाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं छोटी थी, मतलब शादी से पहले की बात करूँ, तो मैं भी नहीं नहाना चाहती थी ग्रहण में। लेकिन मेरी मम्मी लोग ना सर्दियों के दिन में भी, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बस नहा देती थी कि नहीं ग्रहण है, तो मम्मी लोग मानती है फ्रेंड्स। और वैसे तो वैज्ञानिक कारण से नहीं माना जाता है फ्रेंड, लोग नहीं मानते, बट कुछ जो कुछ चीज़ है, कुछ प्रथा है, कुछ रिवाज है जो पौराणिक काल से चले आ रहे हैं, तो उसे मानना चाहिए फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक है फ्रेंड्स। बाय, गुड नाइट।